हाँ, तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है? केमिस्ट्री। आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि क्या है, जीरो टू हीरो लिखा हुआ है। केमिस्ट्री जीरो टू हीरो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा क्लियर है कि हाँ, जीरो से लेके ऊपर तक जाएंगे। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है भैया, तो एक वीडियो में नहीं होगा। इसके लिए हम इसका सीरीज लाएंगे। हमें उम्मीद है कि 40 से 50 वीडियो तक का ये सीरीज होगा, जितने में आपका केमिस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब पूरी तरह से ख़त्म का ये मतलब नहीं होगा कि हाँ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन ये सब का डाल देंगे, वो नहीं। जो बेसिक चीज़ है, जो सब चीज़ लोगों को प्रॉब्लम होता है, जो भी बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है केमिस्ट्री का, वो सब उतने में क्लियर हो जाएगा। तो जीरो टू हीरो में हम लोग करेंगे क्या? तो छोटे छोटे पॉइंट, जैसे वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोई एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, ये सब के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से पूरा जानेंगे। क्योंकि जब हम लोग छोटी छोटी पॉइंट को जानेंगे ना, तो उससे मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा फॉर्मूला कैसे बनते हैं, जैसे अगर कोई फॉर्मूला लिख दे Zn+H2SO4, तो इसको रिएक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, Zn SO4 कर देते हैं, प्लस H2 कर देते हैं। तो भैया H2 कहाँ, ये जो Zn यहाँ पे अगर था, ये Zn इसके साथ कैसे आके मिल गया, ये सब हम लोग जानेंगे इसी में। ठीक है, ये सब हम लोग धीरे 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 करके क्लियर है। तो जो भी हम लोग का ये प्रॉब्लम होता है, ऐसे जो भी करेंगे फॉर्मूला वगैरह, वो सब हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। एक और चीज़, जो Zn+H2SO4 है, Zn SO4+H2 आ जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, भैया Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Zn SO4 कैसे बना दिया। तो सब चीज़ क्लियर होगा। उससे पहले एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग को पता है कि सब का जो मेन जड़ है वो कौन है, कहाँ से सब प्रॉब्लम उठ के आता है? तो सब कहीं और से नहीं, यहाँ से आता है। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है। इसके बारे में लगभग सब कोई जानते होंगे, ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें होता क्या है, ये जो भी आपको दिख रहा है सब देखिए, इसमें जो भी दिख रहे हैं आप, Fe लिखा हुआ है, CO लिखा हुआ है, Ni है, B है, C है, Na, ये सब जो कुछ भी ये लिखा हुआ है, ये सब एलिमेंट होते हैं। आप सभी को ये चीज़ पता है कि एलिमेंट होते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल में और क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर कुछ कितना होगा, उसका एटॉमिक मास कितना होगा, उसका कितना डेंसिटी होगा, वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, मेटल है, नॉन मेटल है, सब कुछ इसमें क्लियर किया जाता है। बट हम लोगों का उतना कैपेसिटी नहीं है कि ये पीरियोडिक टेबल देख कर हम लोग सब कुछ समझ जाए, तो मेन हम लोग का प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि टीचर भी उतने अच्छे से हम लोग ये चीज़ नहीं बता पाते हैं कि हम लोग देख के सब समझ लें, तो सब प्रॉब्लम होगा यहाँ पे दूर। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे आप उसमें देखिएगा H लिखा होगा, कहीं कहीं C लिखा हुआ होगा, कहीं B लिखा होगा। भैया ABCD क्यों पढ़ा रहे हो, तो हम बचपन में ही पढ़े हुए हैं क्या? तो ABCD भैया ये नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा? तो जो H है, एक पीरियोडिक टेबल के किसी खास एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो H यहाँ पे शो कर रहा है, एक पीरियोडिक टेबल के किसी खास एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सी है, सी भी किसी खास एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी है, बी किसी खास एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बोलोगे क्या, जो यहाँ एच लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.04 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो क्या, जैसे पता है ना एच से हाइड्रोजन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है, तो पता है, तो पूरे दुनिया में जो हाइड्रोजन है उसका मास होगा 1.04। क्या है, पॉसिबल है? आप तो यही कहोगे। कार्बन इसका एटमिक नंबर 6 होता है और इसका मास होता है 12। तो क्या पूरे वर्ल्ड में जो कार्बन है सबके मास मिला के 12 है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है। वो क्या कर रहा है, यहाँ जो C12 लिख दिए या H1.04 लिख दिए, उसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक नाइट्रोजन का, एक सोडियम का, एक क्लोरीन का, किसी एक का, एक एटम का, क्या किसी एक का, किसी भी एक एलिमेंट के एक एटम का जो मास है वो है 1.04 या 12 या 40 या 16 या एनीथिंग। ठीक है, तो एक एटम के
सॉरी एक एलिमेंट के एक एटम का मास होता है जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ रहता है या जो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का पढ़ते 1.6 × 10⁻¹⁹, तो क्या पूरे दुनिया में जो इलेक्ट्रॉन है उसके होते हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन का मास होता है। क्लियर? तो एक बहुत ही बड़ी चीज हम लोग के हाथ लगी है। क्या? तो जो 1.04 या 12 या कुछ भी एटमिक मास हम लोग जो पढ़ते हैं वो पूरे एलिमेंट का नहीं होता है, वो किसका होता है? बस सिर्फ और सिर्फ एक एटम का होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज, हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, ठीक है? जैसे एक H हो गया, H से जो हाइड्रोजन लिखे, तो देखिए उसमें एक लेटर से एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? अब ये जो H होगा, या तो उसका ओरिजिनल नेम हो सकता है या ग्रीक वर्ड हो सकता है, ठीक है? ज्यादातर केमिस्ट्री के जो भी रिसर्च करने वाले हैं वो लोग ग्रीक के ही होते हैं। तो या तो उसका जो ओरिजिनल नेम होगा उसके ओरिजिनल नेम पे लेटर रखते हैं, या उसके ग्रीक वर्ड का पहला या दूसरा लेटर। ये सब एच हुआ यहाँ पे। एच का मतलब हाइड्रोजन, मतलब ये पूरे दुनिया में जो हाइड्रोजन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पूरे दुनिया की हाइड्रोजन को ला के यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसके एक एटम को ला के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। अब उसमें होगा क्या? उसमें नीचे हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4 रहता है। ये क्या करता है? उसके एटमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर में 1.04 ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो जो ऊपर में रहता है वो क्या करता है? उसका एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर। उसके अलावा उसके जस्ट नीचे 1s1, 1s2 ऐसे करके, 2p6 ऐसे करके कुछ कुछ लिखा रहता है। मेन हम लोग को वही चीज जानना है, ठीक है? ये 1s1, 1s2, या बहुत सारे लोग पढ़े होंगे KLMN, KLMN। तो मेन हम लोग को उसी चीज के बारे में जानना है। अगर वो चीज जान जाते हो आप, तो कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो हम इसमें बहुत सारा चीज बताएंगे, जैसे SPDF ये होता है, S है, 1s2s2p, ये सब क्या होता है, KLMN क्या होता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टीचर जो कि N+L पे सॉल्व करवा देते हैं, ये सब क्या होता है? बहुत अलग चीज है, बहुत बड़ा बड़ा जानवर है, ठीक है? शेर की तरह खा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग? तो जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ था, हाइड्रोजन के बारे में तो जान लिया। उसी तरह सपोज कोई कार्बन लिख दिया, ठीक है? कार्बन लिख दिया, तो इसके नीचे 6 होता है, यहाँ पे 12 point something होता है, 12 point something होगा या 11 point something होगा इसका। अब देखिए, अब पता चल गया ये जो है किसी एलिमेंट के किसी एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी से कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 6 नंबर पे होता है, मतलब इसका एटमिक नंबर जो है वो 6 है। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है क्या है? एटमिक मास है। यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखा हुआ होगा, 1s1, 2s2 ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो एक चीज अब मेरा क्लियर होगा, जो पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए होते हैं ऐसा एटम सॉरी एलिमेंट सब का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? अलग अलग कलर से लिखे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पहचानने में आसानी हो। उसके अलावा इसमें एक पीरियड होता है और एक ग्रुप होता है। अभी उतना ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो उल्टी होने लगेगा बहुत ज्यादा, आप लोगों को वोमिटिंग करने लगोगे, बोलोगे इतना ज्यादा बोला, 0 से 0 और ऊपर का शुरू कर दिया, तो सब नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे। उसके अलावा क्या, इसमें बहुत सारे एलिमेंट सब दिए हुए हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी सबका। एक इसमें पता है खास बात क्या होता है, ऐसे एक लाइन ले लो या ऐसे एक लाइन ले लो, उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है,
जैसे लास्ट वाला है ना, ये सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, ये है ना इसका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, ये है ना ये सबका प्रॉपर्टी मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो वैसे करके उसको एडजस्ट किया गया। तो ये सब अब शुरू हो गया, तो शुरू करते हैं, लगाते हैं छलांग। जानना क्या है तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले दो वर्ड। अब मेरा दो वर्ड क्या है, एक होता है ऑक्टेट, पहला ऑक्टेट होता है, दूसरा होता है ड्यूप्लेट। अब ये नहीं बोलना कि पहले ही ऑक्टेट और ड्यूप्लेट बता रहे, मतलब दो नंबर के आदमी है, वो सब कुछ नहीं है। देखिए ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, एट होता है, ऑक्टागोन ये सब तो पढ़े ही होंगे। ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट का मतलब दो होता है। अब दो के आदमी जानवर, कुत्ता घोड़ा बैल, वैसा तो कुछ है नहीं। ये अब यहाँ पे दो और यहाँ पे एट क्या होते हैं वो पहले क्लियर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे एट होता है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट मतलब यहाँ पे एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्यूप्लेट मतलब यहाँ पे टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट अगर कहीं आ रहा है, ऑक्टेट वर्ड अगर आगे आज के बाद कहीं भी दुनिया में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसका मतलब क्या होगा, आठ होगा। ऑक्टोपस, उसके पास आठ पैर होते हैं, ऑक्टागन उसमें एट साइड होता है, उसी तरह ऑक्टेट मतलब एट इलेक्ट्रॉन होंगे। ड्यूप्लेट मतलब वहां पे दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। अब कहां रिप्रेजेंट करेंगे भैया, बोल दिए दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, आठ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन करेंगे कहां, दीवार पे, रोड पे, कहां करेंगे। तो उसका यूज अब थोड़ा जान लेते हैं। जैसे स्कूल के बाहर कुछ, या स्कूल का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, टर्म कंडीशन होता है, हाँ स्कूल आना है, पहला कंडीशन ड्रेस में होना चाहिए, दूसरा बैग होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करके होते हैं बहुत सारे। मेरे घर में आना है, पहला मेरे घर का फैमिली मेंबर होना चाहिए, दूसरा कोई रिश्तेदार होना चाहिए, तीसरा मिठाई लेकर आना चाहिए, चौथा जाने के समय मुझे पैसा देना चाहिए। इस तरह से कुछ कुछ सबका टर्म कंडीशन होता है। हाँ मुझे कौन टीचर पढ़ाएगा, अच्छे से पढ़ाए, जाते समय टोपी दे, मुझे ना मारे, मुझे रोज एक कहानी सुनाए, वो टीचर मुझे पढ़ाएगा। तो ऐसे करके कुछ टर्म कंडीशन होता है। ठीक उसी तरह ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसके कुछ है टर्म कंडीशन। जैसे जब इसने देखा कि सारे बच्चे, सारे टीचर, सारे लोग अपना अपना रूल लगा रहे हैं, तो सोचा कि जरा हम भी रूल लगा लेते हैं। तो इसने क्या रूल लगाया कि इस पीरियोडिक टेबल में, किसमें, इस पीरियोडिक टेबल में उतना ही आदमी रह सकता है, या वही आदमी रह सकता है जो या तो ऑक्टेट रूल को या तो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करे। क्या हो, इसमें वही आदमी एग्जिस्ट कर सकता है या रह सकता है, इस पीरियोडिक टेबल में वही आदमी रह सकता है जो या तो ऑक्टेट या तो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करे। तो यही चीज था। अब ये ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल क्या होता है, तो ऑक्टेट रूल का मतलब होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ड्यूप्लेट रूल का मतलब होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे जीरो से पढ़ाने वाले थे, ऑर्बिट बता दिए, अब ऑर्बिट क्या होता है, सब्र करो भैया, सब होगा। अब क्या, अब ऑक्टेट जान गए, ड्यूप्लेट जान गए, तो थोड़ा और जानते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसे पढ़ने के लिए कुछ कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो ऐसा करता हूं, आज तो इंट्रोडक्शन हो गया, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। एक और बात,
जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, अगर उसमें कोई डाउट हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम होता हो, तो आप उसको कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो आपका, जैसे अगला जो लेक्चर आएगा उसमें पहले आपका वो डाउट इंक्लूड रहेगा, उसके बाद में वो आपके टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।